यहाँ पर पेमेंट लेने का दो चीज है, एक है पेपाल के थ्रू एंड एक है बैंक ट्रांसफर के थ्रू, मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू। लेकिन यहाँ पर भी पेपाल के साथ एंड बैंक के साथ अलग अलग किस्सा यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप ध्यान से सुनना। सब्सक्राइब नाउ एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एन अपडेट। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली बात करने वाले हैं एप्लोबिन के बारे में, एंड कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं बताऊंगा एप्लोबिन के अंदर काम करने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ जान लेना चाहिए, इसके बारे में मैं आज पूरा डिटेल्स बताऊंगा। इसके ऊपर अगर आप यूट्यूब पे या कहीं पे भी वीडियोस देखते हो तो आपको कहीं पर भी कंप्लीट वीडियो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। मैंने खुद देखा है गाइस, यूट्यूब के अंदर बहुत सारे बकवास वीडियो है, एक भी आपके काम का वीडियो नहीं है। कुछ डिटेल्स आपको वहां पर बताया गया है, लेकिन बहुत सारा जो डिटेल्स है वो आपको नहीं बताया गया है। तो मैंने सोचा एप्लॉबिन के ऊपर मैं भी एक वीडियो बना दूं जहां पर मैं आपको कंप्लीट जो भी मेन इंटरनल डिटेल्स है वो मैं बताऊं। और ये जो सभी डिटेल्स है ये मैंने एप्लॉबिन के जो टीम है उनसे कांटेक्ट करके लिया है, मैं यूं ही हवे में आपको नहीं बताऊंगा। मैंने पूरा ऑफिशियल से जो भी जितनी भी बातें हैं वो सब कुछ लिया है, एंड देन ही मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो एप्लॉबिन अब क्या चीज़ है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि आप एडमो फेसबुक को यूज़ करते हो अपने ऐप के अंदर ऐड को शो करके अर्निंग करने के लिए, ठीक वैसा ही एप्लॉबिन है। तो एप्लॉबिन के अंदर ऐप को ऐड करके ऐड को शो करना अलग प्रोसेस है, जैसे कि एडमो पे या फेसबुक पे आप करते हो वैसा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा जो प्रोसेस है वो अलग है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एप्लॉबिन के अंदर कैसे अकाउंट को क्रिएट किया जाता है, ऐड के लिए ऐप को वेरीफाई किया जाता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान से सुन लेना। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। ओके, तो देखो एप्लॉबिन के अंदर जब आप साइन अप करोगे, यहाँ पर देखो जो गेट स्टार्ट बटन है यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको साइन अप पेज पे लेके जाएगा, या तो आप यहाँ से भी साइन अप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर साइन अप का कोई ऑप्शन नहीं है, साइन इन का है। यहाँ पर गेट स्टार्ट पे अगर आप क्लिक करोगे तो देन ये कहाँ पर ले जाएगा, आपको साइन अप के पेज पे ले जाएगा। एंड यहाँ पर आपको कुछ डिटेल जो है वो भरना होगा, जैसे कि आपका फुल नेम, आपका ईमेल आईडी, आपके कंपनी का नेम, वेबसाइट, वेबसाइट के अंदर आप ब्लॉगर का भी वेबसाइट डाल सकते हो, आपका जो लोकेशन है वो, ये शायद आपका जो भी कंट्री है उसको सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, उसको सिलेक्ट करना, देन पासवर्ड देना, कंफर्म पासवर्ड देना। एंड यहाँ पर ये पूछेगा कि कहाँ से आपने ये चीज़ जाना है, तो आप जो किसी को एक को भी सिलेक्ट करके आई एग्री करके आई एम नॉट अ रोबोट करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपका जो अकाउंट है वो बेसिकली क्रिएट नहीं होगा, मतलब उनके पास चला जाएगा, आपका जो भी डिटेल्स है वो चला जाएगा। एंड जो भी ईमेल आपने यहाँ पर भरा हुआ होगा उस जीमेल पे एक मेल आएगा, ठीक है। तुरंत भी आ सकता है, कुछ देर बाद भी आ सकता है, एक दिन बाद भी आ सकता है, कि आपका जो अकाउंट है वो अभी पेंडिंग पे है, आप जिस भी ऐप के अंदर ऐड को शो करना चाहते हो एप्लॉबिन का, उस ऐप को हमको ईमेल के थ्रू भेजो, मतलब आप गूगल ड्राइव के अंदर भी अपलोड करके दे सकते हो, तो प्ले स्टोर के अंदर है तो प्ले स्टोर के अंदर से भी आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो, जो भी लिंक है उसको उनको उनको सेंड कर देना मेल के थ्रू। 3 या 4 दिन के अंदर वो लोग आपको दोबारा मेल करेंगे, एंड वहां पर वो आपको बोलेंगे कि आपका जो ऐप है जो कि आपने उनको मेल करके भेजा हुआ होगा वो ऐप उनके पॉलिसी के हिसाब से है कि नहीं, वो आपको बताएंगे। एंड वो साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हुआ है या नहीं, ठीक है। मतलब आपका ऐप अगर रिव्यू में सक्सेसफुल हो जाता है उनसे, ठीक है, तो वो आपको मेल करके बता देंगे। अब आप सिंपली जो भी डिटेल्स यहाँ पर भरा हुआ होगा उस ईमेल एंड पासवर्ड से आप सिंपली लॉग इन हो जाओ, ठीक है। एंड आप अपने एड आईडी जो उसको जनरेट करो एंड अपने ऐप के अंदर उसको शो कराओ। ये आपको ये जो साइन अप प्रोसेस है ये एप्लॉबिन का साइन अप प्रोसेस है, ये फेसबुक एडमोब से पूरा ही अलग है, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है। आप गाइस शायद गूगल ड्राइव के अंदर भी अपने ऐप को पब्लिश करके इनको इनको लिंक भेज के आप अपने एप्लीकेशन को वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको वेरीफाई करने में कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या तो आप मुझे मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पे भी जाके ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर आपको
हेल्प गाइस मिल जाएगा, या तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि कमेंट पे कुछ चीज़ बताना मुश्किल होता है। आप कमेंट करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर आप पूछ लेना, हम बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। लेकिन एप्लॉयमेंट का जो प्रोसेस है वो यही है। अब गाइज यहाँ पर जो ये चीज़ है, ये चीज़ आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये मैंने उनसे एप्लॉयमेंट से कॉन्टेक्ट करके जाना है, यूट्यूब पे बस आपको बकवास वीडियोज ही मिलेंगे। हाँ, साइन अप का जो भी प्रोसेस है वो आपको बता देंगे बेसिकली वहाँ पर, तो वहाँ पर जाकर अगर आप दे सकते हो, अगर आपको साइन अप पे कोई प्रॉब्लम होता है तो वो तो आप यूट्यूब से पता कर सकते हो। लेकिन मेन जो बात है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखो, यहाँ पर पेमेंट जो रिलीज करने का तरीका है वो एडमो फेसबुक से पूरा ही अलग है, तो ये बात आप ध्यान से सुनो। यहाँ पर पेमेंट लेने का दो चीज़ है, एक है पेपाल के थ्रू एंड एक है बैंक ट्रांसफर के थ्रू, मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू। लेकिन यहाँ पर भी पेपाल के साथ एंड बैंक के साथ अलग अलग किस्सा यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप ध्यान से सुनना। जैसे कि एडमोब 21 तारीख को आपका पेमेंट रिलीज करता है, ठीक है। अगर पिछले महीने में आपने $100 कमाए हैं टोटल, देन क्या करेगा वो अगले महीने की 21 तारीख को पेमेंट रिलीज कर देगा। एंड आते आते 2-3 दिन लग सकता है, फेसबुक भी वैसा ही करता है, ठीक है ना। फेसबुक का आते आते थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस है वो पूरा ही अलग है। अगर आपने एब्लोबिन के अंदर पेमेंट इंफॉर्मेशन के अंदर पेपाल अकाउंट सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आपके अकाउंट के अंदर जब $25 हो जाएगा, तो जिस महीने पे $25 होगा उसके अगले महीने के 15 तारीख को ये जो पेमेंट है ये रिलीज कर देता है। यहाँ पर ध्यान से सुनो, मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर आपने पेपाल अकाउंट एप्लोबिन के अंदर ऐड किया है, तो अगर आपके अकाउंट के अंदर $25 हो गए हैं, ठीक है, मतलब मान लो इस महीने के अंदर $25 आपका कंप्लीट हो चुका है, या $25 के ऊपर मिनिमम जो अमाउंट है वो $25 होना चाहिए पेपाल का अकाउंट अगर आपने यहाँ पर ऐड किया है तो, और अगले महीने के 15 तारीख को यहाँ पर जो आपका पेमेंट है वो पेपाल के अंदर आ जाएगा। अगर आपने पेपाल के अंदर आपका बैंक अकाउंट ऐड किया है तो वहाँ पर आ जाएगा। एंड पेपाल के अंदर जो अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि पेपाल के अंदर आपको बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है इंटरनेशनल पेमेंट लेने के लिए। अगर आप पेपाल के अंदर इंटरनेशनल पेमेंट लेना चाहते हो, देन आपको बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना होगा पेपाल के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। लेकिन वहाँ पर भी पेपाल थोड़ा बहुत कमीशन जो है वो ले लेगा, तो आप वहाँ पर देख के दे सकते हो। लेकिन पेपाल के अंदर, अगर एप्लोबिन के अंदर आप पेपाल अकाउंट को ऐड करते हो, तो एक बहुत अच्छा चीज़ है कि $25 होने के बाद ही आपका जो पेमेंट है वो एप्लोबिन रिलीज कर देता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बैंक ट्रांजेक्शन डायरेक्ट सिलेक्ट करते हो एप्लोबिन के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी रूल कुछ अलग है। अगर आप बैंक अकाउंट डायरेक्ट ऐड करते हो तो $150, $150 होने के बाद ही एप्लोबिन आपका जो पेमेंट है वो रिलीज करेगा। तो यहाँ पर देखो, आपका मर्जी है, आप क्या करना चाहते हो, लेकिन मैं तो आपको कहूँगा पेपाल को ही ऐड कर लो। मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पर, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट मेरा जो भी बैंक अकाउंट है उसको फिलअप कर दिया, और यहाँ पर जब आप एडिट करने जाते हो अकाउंट को, तो वहाँ पर एडिट का ऑप्शन नहीं रहता, वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि आप कॉन्टैक्ट करें एप्लोपिन टीम से, और वहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी बेसिकली नहीं दिया जाता, मतलब उनका कुछ वेबसाइट का प्रॉब्लम होगा, सर्वर लोड नहीं होता, ठीक है। तो मैंने कैसे भी करके उनको उनको ऑफिशियल पे कांटेक्ट करके ये डिटेल्स जाना कि बैंक अकाउंट अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर एब्लॉबिन के अंदर ऐड करते हो तो $150 आपके अकाउंट के अंदर होना चाहिए, देन ही वो पेमेंट जो वो रिलीज करेंगे अगले महीने के 15 तारीख को। लेकिन अगर आप पेपाल अकाउंट ऐड करते हो तो यहाँ पर $25 हो जाने के बाद ही आप जो पेमेंट है उसको रिसीव कर सकते हो, पेपाल के अंदर एब्लॉबिन बेसिकली भेज देगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलेगा। बकवास वीडियो यूट्यूब पे आपको एप्लोबिन के ऊपर मिल जाएगा, एक ही मतलब कोई काम का नहीं वीडियो, ऐसा वीडियो यूट्यूब पे ज़्यादातर लोग डालते हैं, मैंने कुछ देखा हुआ है। और बेसिकली इंडिया पे एप्लोबिन यूज़ बहुत कम लोग करते हैं, बेसिकली आपको ज़्यादा बांग्लादेश पाकिस्तान के लोग मिलेंगे, एंड वहाँ पर आपको बस बकवास वीडियो ही मिलेंगे। कुछ कुछ वीडियो है जो कि हेल्पफुल है, जैसे कि यहाँ पर देखो जब आप पेमेंट इंफॉर्मेशन ऐड करोगे तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ है, और उसके ऊपर वीडियोस बहुत सारे हैं, वो आप देख सकते हो, वो हेल्पफुल वीडियोस है, ठीक है, कि एप्लॉबिन के अंदर पेमेंट इंफॉर्मेशन कैसे फिलअप करे,
ठीक है, ऐसा यूट्यूब पे आप वीडियो सर्च कर सकते हो, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट बात है कि पेमेंट कैसे आता है, ठीक है, और कितना अमाउंट हमको चाहिए, बैंक के लिए कितना अमाउंट चाहिए, पेपाल के लिए कितना अमाउंट चाहिए, इसके ऊपर किसी ने नहीं वीडियो बनाया। मैं खुद हैरान हो गया था कि ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके ऊपर वीडियो ना बना कि ये सब बकवास चीज़ों पर वीडियो बनाते हैं। तो इसी वजह से मैंने आपको ये वीडियो बना के दे दिया, इसका मैं टाइम स्टेप भी बना दिया हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप अपने हिसाब से देख लेना। एंड आपका अगर कोई दोस्त इस पे काम कर रहा है तो उनको भी बोलना ये गलती ना करे, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाता। कॉन्टैक्ट करके बहुत मुश्किल से शायद अकाउंट एडिट होगा, मुझे पता नहीं कि मेरा अकाउंट एडिट होगा, मैं चाहता हूँ पेपाल को ऐड करना भी, अभी कैसे होगा मुझे पता नहीं, लेकिन अगर हो जाता है मेरा पेपाल अकाउंट ऐड, बैंक अकाउंट का हटा के पेपाल अकाउंट में ऐड करना चाहता हूँ, तो अगर वो हो जाता है तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। और बेसिकली ऐप लॉगिन बहुत अच्छा है, अगर आपका ऐप प्ले स्टोर के अंदर भी नहीं है तब भी यहाँ पर ऐड शो होगा, अर्निंग भी आप कर सकते हो। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर इसके रिलेटेड कोई सवाल है कॉमेंट करना, और टेलीग्राम ग्रुप है हमारा तो वहाँ पर जाके ज्वाइन होकर आप मुझे बता सकते हो। तो आई होप दैट गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो को अगर पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना।